राइडर। कहानी की शुरुआत अमेरिका के छोटे से शहर से होती है। ब्रैडी अपने सर पर लगे घाव को साफ करता है। बाहर आने के बाद ब्रैडी अपने घोड़े से मिलता है, जिससे उसे बहुत लगाव है। रात के वक्त ब्रैडी अपने वीडियोस देखता है। असल में ब्रैडी एक रोडियो राइडर रह चुका है। वो बहुत फेमस था। एक बार राइडिंग के दौरान उसका घोड़ा बेकाबू हो गया और वो नीचे गिर गया। ब्रैडी के दिमाग पर चोट लगने की वजह से उसका हाथ काम करना बंद हो गया। ब्रैडी अपने पिता और अपनी छोटी बहन लिली के साथ रहता है। लिली को एक बीमारी है जिसमें इंसान की उम्र तो बढ़ती है, लेकिन उसका दिमाग बच्चों की तरह रहता है। ब्रैडी के घर रहने के कारण उसका परिवार बहुत गरीब है, क्योंकि ब्रैडी के पास नौकरी नहीं है। ब्रैडी के पिता उसकी हालत के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि जिस दिन ब्रैडी के साथ ये हादसा हुआ था, उसके पिता ने उसे रोडियो राइडिंग के लिए जाने के लिए मना किया था, पर उसने अपने पिता की बात नहीं सुनी। ब्रैडी बहुत उदास और अकेला रहता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है। किसी दिन वो ज्यादा उदास होता तो अपनी माँ की कब्र के पास चला जाता। ब्रैडी की माँ की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी है। एक रात ब्रैडी की बहन लिली ब्रैडी से कहती है कि तुम अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाओ, तुम उदास मत रहा करो। ब्रैडी कहता है ठीक है। दरअसल वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है। वो अपनी बहन से एक गाना गाने को कहता है और उसकी बहन उसके लिए एक गाना गाती है। अगली सुबह ब्रैडी के घर उसके दोस्त आते हैं। वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। वो सभी के साथ इंजॉय करता है। ब्रैडी को अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। रात के वक्त ब्रैडी सभी को अपने अपने एक्सीडेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि उस घोड़े को मैंने फार्गो शहर से खरीदा था। थोड़े समय तक वो घोड़ा सही चला, मगर सीटी की आवाज सुनते ही वो बेकाबू हो गया। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। ब्रैडी की चोट ठीक हो चुकी है, मगर उसका हाथ अभी भी काम नहीं करता। अगली सुबह ब्रैडी तैयार होने के बाद अपने घोड़े के पास आता है और उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिताता है। इसके बाद ब्रैडी हॉस्पिटल आता है। यहाँ वो अक्सर अपने दोस्त से मिलने आता है, जिसका उसी की तरह रोडियो राइडिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया था। दिमाग पर गहरी चोट लगने के कारण वो बोल नहीं पाता, बस इशारों से बात करता है। ब्रैडी अपने दोस्त की राइडिंग के वीडियोस उसे दिखाता है, पर वीडियोस देखने के बाद वो खुद उदास हो जाता है, क्योंकि वो हमेशा राइडिंग करना चाहता था, जो वो अब नहीं कर पा रहा होता। वो अपनी बहन लिली को रोडियो राइडिंग दिखाने के लिए ले जाता है, जहां पर वो राइडिंग देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और उसे अपनी हालत पर अफसोस होता है। अगली सुबह उसके घर पर उसके मकान का मालिक आता है और कहता है कि पिछले 4 महीनों से तुमने एक भी पैसा नहीं दिया। दरअसल ब्रैडी के पिता सारे पैसे जुए में हार चुके हैं। मकान मालिक ब्रैडी से कहता है कि अगर तुमने रेंट नहीं दिया तो मुझे मजबूरी में तुम लोगों को निकालना होगा। ब्रैडी को पैसे चाहिए, इसीलिए वो अपने पास के स्टोर पर नौकरी के लिए जाता है, लेकिन उसके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। पर वो लेडी उसे कहती है कि तुम मेरे कजन के पास जाओ, शायद उसके पास तुम्हारे लिए कोई टेम्पररी जॉब हो। ब्रैडी जाने लगता है। वो कहती है कि तुम अपनी माँ की तरह दिखती हो, मैं उसके साथ स्कूल में पढ़ती थी। दरअसल ये ब्रैडी की मॉम की दोस्त है। ब्रैडी को एक मेडिकल शॉप में काम मिल जाता है। एक दिन ब्रैडी के पिता उसका घोड़ा बेच रहे होते हैं। ब्रैडी कहता है कि मैं इसे नहीं बेच सकता। उसके पिता कहते हैं कि हमें घर का रेंट भरना है, इसीलिए हमें तुम्हारे घोड़े को बेचना होगा। ब्रैडी को अपना घोड़ा नहीं बेचना था, पर वो मजबूर होता है। उस रात ब्रैडी आखिरी बार अपने घोड़े की सवारी करता है और फिर उसके पिता घोड़ा बेच देते हैं। एक दिन ब्रैडी का दोस्त उसे बुलाता है। दरअसल उसका घोड़ा बेकाबू हो गया था। ब्रैडी उस पर काबू पा लेता है। अब ब्रैडी स्टोर में भी काम करता है और घोड़ों की शिफ्ट भी करता है, इसीलिए वो एक कस्टमर को घोड़ा देने जाता है। वहां वो एक दूसरा घोड़ा देखता है। घोड़े का मालिक ब्रैडी से कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे खरीद सकते हो। घर आने के बाद वो देखता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस घोड़े को खरीद सके। ब्रैडी ये बात अपने पिता को बताता है। उसके पिता बाद में उसे कहते हैं कि मैंने घोड़े के मालिक से बात कर ली है, हम उसे बाद में पैसे दे देंगे। अगली सुबह ब्रैडी उस घोड़े को घर ले आता है, पर वो घोड़ा उसके काबू में नहीं आ रहा होता। वो उसे अपने ऊपर सवारी नहीं करने देता। ब्रैडी उसे ट्रेन करता है और कुछ ही देर में उस पर काबू पा लेता है और उसके ऊपर सवारी भी करता है। और इसके बाद वो तय करता है कि वो घोड़ों को ट्रेनिंग देगा। अगली सुबह वो घोड़ों को ट्रेनिंग देने लगता है, मगर कुछ ही देर में उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है। वो बेहोश हो जाता है। जब ब्रैडी की आंखें खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। डॉक्टर ब्रैडी को बताती है कि तुम्हारा हाथ काम नहीं कर रहा और इसकी वजह है पार्शियल कॉम्प्लेक्स सीजर, जिसमें तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे हाथ को बहुत फास्ट
सिग्नल भेज रहा है। अगर तुम्हारा हाथ उन सिग्नल्स को समझ नहीं पा रहा, तुम्हें अब रेस्ट करना होगा। तुम रोडियो राइडिंग नहीं कर सकते। घर जाते वक्त ब्रैडी के पिता कहते हैं कि कभी कभी अपने सपनों को छोड़ देना ही सही फैसला होता है। अगर ब्रैडी अपने पिता की इस बात का कोई जवाब नहीं देता, अगली सुबह ब्रैडी अपने दोस्त को रोडियो राइडिंग की ट्रेनिंग देता है। अपने दोस्त को सिखाते वक्त वो देखता है कि उसके हाथ की जो मुट्ठी है वो खुल नहीं रही। इसका मतलब उसकी तबीयत और भी खराब हो गई है। ब्रैडी अपने दोस्त को घर ले आता है और उसे अपनी काउबॉय शर्ट दे देता है जो रोडियो राइडिंग के समय पहना करता था। ब्रैडी अपने दोस्त से पूछता है, क्या तुम अभी भी रेसलिंग करते हो? उसका दोस्त कहता है कि कभी कभी। ब्रैडी कहता है, मेरे साथ रेसलिंग करो। वो दोनों रेसलिंग करते हैं, मगर ब्रैडी बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है और अपने दोस्त का गला दबा देता है। इसीलिए ब्रैडी का दोस्त गुस्से में वहां से चला जाता है। ब्रैडी को खुद समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों किया, पर इसके पीछे सच्चाई ये होती है कि ब्रैडी अपनी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। अगले दिन ब्रैडी हॉस्पिटल जाता है और अपने राइडिंग पार्टनर के साथ वक्त गुजारता है। घर आते समय ब्रैडी की आंखों में आंसू होते हैं। वो अपने पुराने दिनों को याद करके रोने लगता है। उसे एहसास होता है कि कैसे एक हादसे ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब जब ब्रैडी स्टोर में काम कर रहा होता है, तभी दो भाई उसके पास आते हैं। वो ब्रैडी के बहुत बड़े फैन होते हैं। वो ब्रैडी के साथ फोटो खिंचवाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें फिर से रोडियो राइडिंग शुरू कर देनी चाहिए, तुम उसमें बहुत अच्छे हो। ब्रैडी घर आता और देखता है कि तारों में फंसने की वजह से उसके घोड़े के पैर में चोट आ गई है। ब्रैडी समझ जाता है कि अब उसका घोड़ा न दौड़ पाएगा और ना ही चल पाएगा। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाता है। वो अपने घोड़े को मारने के लिए गन निकालता है। ब्रैडी उसे मारने की कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मार पाता। इसीलिए वो अपने पिता को ये करने को कहता है। ब्रैडी के पिता उसके घोड़े को मार देते हैं और ब्रैडी वहां से चला जाता है। अगली सुबह ब्रैडी सारा सामान पैक करके गाड़ी में रखता है। ब्रैडी के डैड पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? ब्रैडी उन्हें बताता है कि वो रोडियो राइडिंग के लिए जा रहा है। ब्रैडी के पिता उसे समझाते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। ब्रैडी अपने पिता की कही हुई बातें उन्हें ही बताता है कि जिंदगी में कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ब्रैडी के पिता उसे जाने से मना करते, मगर ब्रैडी नहीं मानता और वहां से चला जाता है। रोडियो राइडिंग करने से पहले वो पीछे देखता है, जहां पर उसके पिता और उसकी बहन खड़े होते हैं। ब्रैडी देखता है कि उसके पिता के चेहरे पर उसे लेकर बहुत चिंता है। ब्रैडी के पिता उसे वापस आने के लिए इशारा करते हैं। वो कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। ब्रैडी अपने हाथों को देखता है और अपने परिवार को देखता है जो उसकी फिक्र कर रहे हैं। ब्रैडी के परिवार को ब्रैडी की बहुत जरूरत है, खास तौर पर उसकी बहन को जो दिमागी तौर से पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। ब्रैडी अपने परिवार को चुनता है। वो अपने पिता के पास जाता है और उन्हें अपने गले से लगा लेता है, क्योंकि अब तक ब्रैडी को समझ में आ चुका है कि उसे जिंदगी ने एक और मौका दिया है और इस मौके में उसे अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसके परिवार को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। जिंदगी में कभी कभी ऐसी भी चीजें होती हैं जिस वजह से हमें अपने रास्तों को, अपने मकसद को छोड़ना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी खत्म हो गई है। जिंदगी में कई चीजें हैं जो इंसान कर सकता है। सिर्फ एक ही चीज के भरोसे अपनी जिंदगी को खत्म कर देना, ये कभी भी समझदारी नहीं होती, और यही बात ब्रैडी को समझ में आ गई होती है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म सन 2017 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.1। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।